हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, आज हम क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन तीन प्रकार की है, तो इसका आज हम ये दूसरा पार्ट ले रहे हैं। सेकंड जो पार्ट है वो हम ले रहे हैं। पहले वाला जो पार्ट था दोस्तों, वो आपके सिंपल प्रक्षेप्य गति थी, यानी तिर्यक प्रक्षेप्य गति से संबंधित था। जो प्रीवियस 8-9 वीडियो बनाए गए हैं वो आपके तिर्यक प्रक्षेप्य गति से संबंधित था, ऑब्लाइग प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है दोस्तों। और जो तीसरा हम नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे इसका, वो हम लेंगे नत तल में प्रक्षेप्य गति, नत समतल में प्रक्षेप्य गति, ठीक है। या इसे हम क्या कह सकते हैं, नत तल यानी इनक्लाइंड प्लेन, इनक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये तो कुछ साधारण बातें थी दोस्तों। तिर्यक प्रक्षेप्य गति में हमने एक सिंपल प्लेन लिया था और उसके अंदर कोई भी बॉल को या कोई भी हम पार्टिकल को थ्रो करते हैं, जैसे बैट के प्रहार से, ठीक है। बॉल की गति, जब बॉल ए बैट स्टक टू ए बॉल देन इट्स मोशन, तो वो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाती है। आज हम एक तरह से दोस्तों ये मीनार से संबंधित, या कोई भी हम टावर पर बैठ जाते हैं और उस टावर के ऊपर वो एच हाइट पर है, और उससे हम जब किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं, मीनार पर बैठकर किसी एच हाइट पर बैठकर वहाँ से हम पार्टिकल को थ्रो करते हैं, तो मेनली इसमें तीन सिचुएशन हो सकती हैं। या तो हम उस पार्टिकल को यूं इस तरह से यानी नीचे की ओर थ्रो करें, या फिर हॉरिजेंटल थ्रो करें, या वर्टिकल थ्रो करें, या फिर हम ऊपर की ओर यानी एच हाइट पर, ठीक है, ऊपर की ओर भी यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ, या हॉरिजेंटल या नीचे की तरफ। तो ये तीन ही सिचुएशन हो सकती हैं, इन तीनों को हम क्लियर करेंगे एक एक करके। अब हम फिलहाल एक सिंपल सा ले रहे हैं कि मान लीजिए ये एक मीनार है, ठीक है, और ये इस तरह से एक आपके एच ऊंचाई की एक टावर है, ठीक है, और ये इसके अंदर लिख लीजिए या बाहर लिख लीजिए, जहाँ कहीं भी लिखना चाहें वो हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपके ये ए पार्टिकल है। अब इस ए पार्टिकल को हॉरिजेंटली या वर्टिकली, थोड़ा सा एकदम वर्टिकली ना लेकर ऊपर की ओर फेंक दें या नीचे की ओर फेंक दें, ये हम तीन कंडीशन लेते हैं। तो यहाँ से जब हमने इसको यूँ फेंका तो दोस्तों ये कैसे जाएगा, यूँ इस तरह से जाके फिर नीचे की ओर जाने का प्रयास करेगा। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, वो आपके क्या है, u है। साथ ही साथ इस पर हम एनी जो फोर्स है, यानी जो भी फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है, चाहे वो ड्यू टू द एयर, ठीक है, या ड्यू टू द एयर यानी हवा के कारण, किसी प्रकार की कोई रुकावट या और मॉइस्चराइजर, ठीक है, यानी नमी के कारण, हवा के कारण या नमी के कारण किसी प्रकार का जो घर्षण बल है, फ्रिक्शन जो फोर्स है, वो आपके ज़ीरो है, उसमें किसी तरह के कोई आपके प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हमने जब इसको यू वेलोसिटी से फेंका, तो इसमें दोस्तों कई चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ से जब हम इसको यूँ फेंक रहे हैं, यूँ इस तरह से, तो यहाँ ये कितने समय में पहुँचा ये पूछ सकता है, ठीक है, इसकी यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी ये आपके यूँ पूछ ले। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर इसकी जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो तो एज इट इज़ है, और जो नीचे की तरफ जो हम यहाँ वेलोसिटी ले रहे हैं वो आपके कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो आप ये जानते ही हो, क्या हो जाएगी, जी टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ये वाई डायरेक्शन में है। या इसको हम थोड़ा सा और समझूं
तो यू एक्स इक्वस टू क्या हो गया यू, यानी एक्स अक्ष में जो वेग है वो तो यही रहेगा और जो वाई एक्स में जो डायरेक्शन है, ठीक है, यू वाई जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा, वो आपके जी टी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ कोई एंगल आपके, मान लीजिए ये वाला जो एंगल है ये अल्फा एंगल है, कौन सा एंगल है दोस्तों, अल्फा एंगल, तो हम यूँ इस तरह से इसमें ये ले सकते हैं। ये कैसे आया, ये कैसे आया, तो मैं इसमें दो चार पॉइंट बना देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो 36 घटक है उसमें जो वेग है u या ux वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। यहाँ भी दोस्तों वही ux रहेगा, यहाँ भी ux ही रहेगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर है, कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा। तो यहाँ ये वाला दोस्तों कितना आया, ये हम लिख सकते हैं v इक्वस टू यू प्लस ए टी, ठीक है। u ये y डायरेक्शन में ले लीजिए, u y डायरेक्शन में, तो इसके लिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, इसको हम v लेना चाहें तो v भी ले सकते हो, u लेना चाहें तो आप u भी ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये यू वाई तो दोस्तों क्या हो गया, y डायरेक्शन में यहाँ है नहीं ज़ीरो, और ये माइनस जी टी ये वी वाई, माइनस का मतलब नीचे की तरफ है, तो इस तरह से ये आपके जी टी आ जाएगा, क्लियर। ठीक इसी प्रकार जब हम y डायरेक्शन में ले रहे हैं तब आपके ये आ ही रहा है, ठीक है। और इसके लिए हम जब इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि हम हाइट की मेजर करें कि ये टोटल हाइट कितनी आ जाएगी नीचे की तरफ, तो ये आपके दोस्तों ये तो यू एक्स तो ऑलवेज यू एक्स ही है, तो ये मान लीजिए वी एक्स, वी एक्स है जो कि यू के बराबर है, और ये वी वाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू जी एच, क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जी एच। ये कैसे आया दोस्तों, ये इसी से ही आ जाएगा, इसमें तो टी है, अपने को हाइट के अकॉर्डिंग लेना है, तो ये आपके, तो ये जो इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं वर्टिकल कॉम्पोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक है वो आपके चेंज होगा, यानी बदलता रहता है, ठीक है। तो ये दोस्तों कैसे आया, इसके लिए v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh 2as क्या आ जाएगा, 2as, ठीक है। तो v तो क्या हो जाएगा दोस्तों, vy u कितना हो गया, uy माइनस 2gh माइनस 2g, a की जगह g हो गया और ये h आ जाएगा, ठीक है। तो u तो दोस्तों जीरो है, uy इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि केवल हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट या वर्टिकल यहाँ है नहीं, तो ये आ जाएगा वी वाई इक्वस टू अंडर रूट टू जी एच, ठीक है। माइनस वाला चिन्ह आई थिंक आपको क्लियर है, जब हम इसको नीचे की ओर फेंक रहे हैं तब ये आपके माइनस आता है, अदरवाइज आपके ये माइनस नहीं आएगा। इस माइनस को आप प्लस भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कि जो हाइट है वो ऊपर की तरफ प्लस होती है, नीचे की तरफ माइनस होती है, तो हाइट भी जब हम लेंगे तब भी ये माइनस की हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये वी वाई इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी, यानी अंतिम वेग है फाइनल वेलोसिटी किसमें, वाई कॉम्पोनेंट में, एक्स कॉम्पोनेंट में तो एज इट इज है, y कॉम्पोनेंट में आपके ये हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों, यहाँ हम विशेष कॉम्पोनेंट का ध्यान रखेंगे जिससे आप ये आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो अब इसमें ये अंतिम जो वेग आया है ये y कॉम्पोनेंट में है, तो जो रिजल्टेंट है परिणामी वेग जो फाइनल है, अंतिम है, यानी
रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, v इक्वल्स टू अंडर रूट वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, यानी ये वाली, ये हो जाएगी, ये जो है ठीक है। अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग है दोस्तों, ये कन्फ्यूजन न पालें, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी है। तो v इक्वल्स टू ये आ गया, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर तो कितना है u स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी वाई है तो ये हो जाएगा 2gh, 2gh ये आपके क्या आ जाता है अंतिम वेग आ जाएगा। समय कितना लगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो समय के लिए y x कॉम्पोनेंट तो इसमें आप ले y कॉम्पोनेंट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है दोस्तों, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ठीक है। तो s तो दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस h यहाँ से यहाँ तक ठीक है, और u क्या हो जाएगा, चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ, ui इंटू कैपिटल T माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, और ui आई थिंक क्लियर है, ui क्या है ज़ीरो ठीक है। स्टार्टिंग में किसी एज ए पर्टिकुलर टाइम p पर आपके अलग है ui और vy, ये vy और vx, तो दोस्तों ये ज़ीरो हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ये t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2h अपॉन g का अंडर रूट, t इक्वल्स टू 2h अपॉन g का अंडर रूट। तथा ये टावर से कितनी दूरी है, टावर से मान लीजिए s दूरी है, टावर से कितनी दूरी है s दूरी है, तो क्या आ जाएगी ये दूरी कितनी आएगी, द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड टू रीच ग्राउंड पार्टिकल, यानी टावर और पार्टिकल के ग्राउंड पर जो पहुंचने के बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, वेग बराबर क्या होता है ये आप जानते हो, वेग बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो वेग तो दोस्तों एक्स अक्ष में एज इट इज है, हॉरिजेंटल हम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू यू इंटू टी, तो s इक्वल्स टू यू और t कितना हो गया 2h अपॉन g, s इक्वल्स टू यू और ये क्या आ जाएगा दोस्तों अंडर रूट 2h अपॉन g, s लिख लीजिए या r लिख लीजिए जो भी आप लिखना चाहो। तो ये टावर से और जो पार्टिकल a पार्टिकल जब यहाँ पहुँच जाता है उसके बीच की दूरी, यानी इसको हिंदी में मेरे ख्याल से क्लियर है, अदरवाइज यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो टावर व पृथ्वी तल पर पहुँचे कण के मध्य दूरी, टावर व पृथ्वी तल के कण पर पहुँचने पर मध्य दूरी। और ये जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ये भी एक तरह से कौन सा पार्ट है, कौन सा है प्रक्षेप्य पथ है, तो प्रक्षेप्य का जो समीकरण है वो हम यहाँ आपको दो तरीके से मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। तो ये क्या आएगा दोस्तों, इसके लिए आप देख रहे हो प्रक्षेप्य का जो समीकरण है वो आपके क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है दोस्तों, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जानते हो। तो दोस्तों किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ले लीजिए, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर यही इसी पॉइंट के लिए ले लेता हूँ मैं, तो इसी को मैं या फिर से बना दूँ या फिर ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, पॉज कर आपने ये लिख ही लिया होगा,
तो दोस्तों क्या आएगा, यहाँ से जब हम यूं जा रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, यूं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो दोस्तों कितनी है y, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली दोस्तों कितनी है x, ठीक है। ये वाली दोस्तों y और ये वाली, तो y x के लिए ले लें तो ये क्या आ जाएगा, y अक्ष के लिए फॉर y एक्सिस, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, किसका आ जाएगा माइनस का, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसको भी आप माइनस का लगा सकते हो, तो y इक्वल्स टू ये यू वाई तो जीरो हो गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा वन बाई टू जी टी स्क्वायर, वन बाई टू जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये एक सिंपल सा आपके हो जाता है। इसको थोड़ा सा मैं और करूं, टी का मान क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर टाइम तक पहुंचने के लिए एक्स अक्ष में हम ले लेते हैं, क्यों टाइम तो वही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स अपॉन टी, यू यहां से यहां तक जो आपके ये फेंका जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी यू, हमेशा एक्स अक्ष में हम ले रहे हैं तो एक्स अक्ष में, तो ये एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया टी चाहिए अपने को, तो टी इक्वल्स टू आ गया एक्स अपॉन यू, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो वाई इक्वल्स टू आ गया वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, तो ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया इक्वेशन ऑफ कौन सा है, हॉरिजेंटल ट्रेजेट्री, इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल ट्रेजेक्ट्री, यानी क्षैतिज प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण, क्षैतिज प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण ये आ जाता है, ठीक है। y इक्वल्स टू वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, फिर इसमें हम इसी फार्मूले को, ये जो आया है प्रक्षेप्य के पथ का जो समीकरण है, इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं चाहे तो, आप जो प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण होता है ये आपने लिख ही लिया, क्यों पॉज करके आप लिख ही रहे हो साथ साथ, तो नेक्स्ट दोस्तों क्या होता है, प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जानते हो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा। अब शुरू में थीटा का मान यहाँ हम जब ले रहे हैं तो थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो टेन जीरो जीरो और कॉस जीरो क्या आ जाएगा दोस्तों, वन आ जाएगा, कॉस जीरो क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, और ये क्या आ गया टू यू स्क्वायर, y इक्वल्स टू माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर, यही आया था अभी यही आया था, ये माइनस को हटाने के लिए इसको भी माइनस का ले लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर, तो कैसे भी आपको जो अच्छा लगे उस आप तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्षैतिज प्रक्षेप्य के पथ का इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल ट्रेजेक्टरी आ जाता है। तो आप देख रहे हो इस तरह से जब हम टावर को फेंकते हैं तो उसमें आपने सारी चीज़ें निकाल ली कंप्लीट, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यदि आप चाहो तो यूँ इस तरह से ये यू है, ये आपके दोस्तों क्या है जी टी है, ये वाला एंगल मान लीजिए अल्फा है, ठीक है, इसको हम मिला दें, और ये यदि आपके कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर टेन अल्फा की वैल्यू पूछ ले तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, यानी ये क्या है जी टी अपॉन यू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये आ जाएगा किसी भी एट एनी पॉइंट
पी ऑफ प्रोजेक्टाइल, कौन सा है? हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल पर। क्लियर है दोस्तों? जी टी अपॉन बी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। यहां हम लेना चाहें तो मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है, यहां पूछ ले, ठीक है, यानी लास्ट जो है फॉर ग्राउंड स्टेट, यानी पृथ्वी तल पर आपके क्या आ जाएगा, इसके लिए ये थीटा है तो ये वाला थीटा हम ले लेते हैं, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट टू जी एच अपॉन यू, अंडर रूट टू जी एच अपॉन यू। तो अब इसमें चाहे जितने सवाल बना लो, इसमें मैं 15 सवाल बना दूं, 20 सवाल बना दूं, 25 सवाल बना दूं, वो आपके ऊपर है। एक क्वेश्चन में एच की वैल्यू दे दूं, यू की वैल्यू दे दूं, टेन थीटा पूछ लूं, ठीक है, अल्फा पूछ लें, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको वाई एक्स में जो कॉम्पोनेंट है उसको पूछ लें, या पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या होगी, या जब कण जो है पार्टिकल वो पृथ्वी तल पर पहुंच जाता है टू रीच द ऑन द ग्राउंड स्टेट, तब आपके वेलोसिटी पूछ ले, ठीक है, या वाई कंपोनेंट पर पूछ ले आपको कितना टाइम लगा टोटल पृथ्वी तल पर पहुंचने पर लगा समय टावर के द्वारा, वो टावर पूछ ले, या फिर टावर से कितनी दूरी पर वो कण जाकर गिरता है वो पूछ ले। तो कुछ भी पूछ ले जब आपको इस तरह से पार्टिकल हम थ्रो करते हैं, तो आप सभी संभव इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स बनती हैं वो सारा का सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक ये सारा का सारा आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम एक दो डेटा और लेकर एक बार इसको वर्टिकली ऊपर की ओर फेंक देते हैं, एकदम वर्टिकली न लेकर किसी एंगल से, और एक बार हम नीचे की ओर फेंक देते हैं, तो आपके मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो भी होती हैं इससे संबंधित जो भी कोई क्वेश्चन आते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में वो हम क्लियर कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।